माफी मैंने कभी नहीं मांगी, और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू? माफी मांगने का कोई, और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जगह पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहां मैंने माफी मांगी हो। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद कंगना रनौत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए चुनाव प्रचार करूंगी, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती हूं। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कंगना रनौत ने आगे क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कारण है जिन लोग, जो लोगों के दिल में चोर है उन लोगों को तो तकलीफ होगी, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग बहादुर हैं, देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेंगी और कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मैडम 2022 में चुनाव में क्या भाजपा के लिए आप कैंपेनिंग करती हुई दिखाई देंगी? जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, जो राष्ट्रवादी है मैं उन्हीं के लिए। आज कल आपने किसान से मांगी माफी, किसान को आज का आखिरी दिन है जब खत्म करने का आंदोलन। माफी मैंने कभी नहीं मांगी, और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू? माफी मांगने का कोई, और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जगह पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहां मैंने माफी मांगी हो। वहां की जो महिलाएं हैं, हम लोग पंजाब और हिमाचल में जिस तरह के संबंध है, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ी हूं, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाइए। और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेम है, भावना है, कुछ एकमात्र मुट्ठी भर लोगों के जो असामाजिक तत्व है उनके कुछ कहने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन उसके बाद किसानों ने आपकी गाड़ी रोकी। हाँ तो क्या हुआ, अगर उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्यों इस लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हमेशा हावी रहने चाहिए। मैडम